नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। तो आपका स्वागत है ट्यूसडे की एरोमाथेरेपी हीलिंग टिप्स में। और आज हम वुडी विलेज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज दो और हम एक्सप्लोर करेंगे एरोमास, जिनका नाम है जूनिपर और सैंडलवुड। सैंडलवुड मेरा सबसे फेवरेट वाला जो है एरोमा है, पर लेट्स डिस्कस जूनिपर फर्स्ट। तो जूनिपर है वो जिन लोगों को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, या स्टमक बहुत अपसेट रहता है, या फिर किडनी में स्टोन्स है, ये उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जिनको भूख नहीं लगती, जिनको जॉइंट पेन रहता है, मसल पेन रहता है और चोटें बहुत लगती हैं, उनके लिए जूनिपर बेस्ट है। तो अगर आप को कोई इनमें से एक इशू है तो जूनिपर आपके लिए बेस्ट है। दूसरा है सैंडलवुड। सैंडलवुड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरोमा है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में राहु के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सैंडलवुड के फ़ायदे बहुत हैं, स्पेशली जब आप उसको दो तीन ड्रॉप्स नहाने के पानी में डालकर नहाते हैं उससे, क्योंकि वो माइंड को अलर्ट करता है, आपके अलर्टनेस ज़्यादा वो होती है। और मतलब आप लेज़ी इतना फील नहीं करते। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बैक्टीरियाज़ के साथ फाइट करती हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको भ्रम बहुत होते हैं, इल्यूजन्स बहुत होते हैं, जैसे कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है या स्केबीज है, या फिर जो जो लिवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, या जिनको कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है और बहुत आसानी से कोल्ड हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप इसके दो तीन ड्रॉप्स अपने नहाने के पानी में भी डालेंगे तो ये जो आपको स्किन कैंसर है उसके साथ फाइट करता है, और आपको कभी स्किन कैंसर नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आप अलर्ट ज़्यादा रहेंगे, माइंड आपका एकदम फोकस्ड रहेगा, तो सैंडलवुड इसके लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा वूडी सेक्शन होता है ख़त्म, और अब रह गए हैं तीन विलेज, जिसमें दो दो तीन तीन हमारे एरोमास हैं, जिनको हम एक्सप्लोर करने के बाद आपको मैं बताऊंगी इनको यूज़ कैसे करना है, चाहे फिर वो स्किन केयर के लिए हो या ये क्या कहते हैं स्टमक इश्यूज़ के लिए हो, ब्लॉटिंग वगैरह के लिए। तो आप कैसे एरोमास को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को और भी अच्छा बना सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि मैं किसी भी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एरोमा थेरेपी हो। मेरा पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कहा, आप अपने अंदर के इनर डॉक्टर को जगाएं ताकि आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर कम लगे। मेरा कभी भी ये मतलब नहीं था किसी भी डॉक्टर या सर्जन को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो ये बात अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज़ निकाल दीजिए, वो हमारे लिए इक्वली ज़रूरी हैं। ये जो मोडालिटीज़ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको हम खुद घर में ठीक कर सकते हैं और इन मोडालिटीज़ को यूज़ करके, इसीलिए मैं आपको ये बताती हूँ ताकि आप खुद यूज़ करके छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप खुद ठीक कर लें। लेकिन भाई एलोपैथी अलग चीज़ है, सर्जरी अलग चीज़ है, और एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर अलग चीज़ है। तो हर मोडालिटी के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं, तो किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर ना करें और यूज़ करके देखें, आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये मैं आपको तभी चीज़ें बताती हूँ जब मैं ये यूज़ करती हूँ। अब मैंने बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में आपको बताना है, तो आई विल चूज़ अ डिफरेंट डे, क्योंकि इसमें तो आपको अभी आगे बहुत दूर जर्नी लेके जानी है हमने, तो उसके लिए हम डे डिसाइड करेंगे। और फिर मैं आपको बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में बताऊंगी कि आपके ऑरा में बीमारी आने से पहले ही आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं।
और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो बहुत ही वाइब्रेशनल मेडिसिन है जस्ट एज होम्योपैथी। तो आप कोई भी मोडालिटी यूज़ करिए, आखिर आपका फेथ आपको हील करता है, इस बात को आप समझिए। और अगर आपको एरोमाथेरेपी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए या बैच फ्लावर रेमेडी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज और आई विल हेल्प यू विथ माई नॉलेज। तो फिर मिलेंगे फ्राइडे को, तब तक के लिए नमस्कार।